तो हेलो दोस्तों दोस्तों मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक क्राइम मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी आ गई है अमेजन प्राइम टीवी पर गोलाम नाम से, जो कि 7 जून 2023 को रिलीज हुई थी, लेकिन इसको अभी हिंदी में डब करके प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है, जिसको फाइनली मैंने देख लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है? हाँ। और क्या इस मूवी के लिए अपना कीमती टाइम और डाटा खर्चा करना वर्थी है भी या नहीं? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक होकर और आप देख रहे हैं होकर रिव्यू पॉइंट। बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन की, दोस्तों कहानी फोकस करती है एएसपी संदीप के ऊपर, जो कि एक शार्प माइंड का पुलिस ऑफिसर है और हर केस को अपने एक अलग तरीके से ही सोल्व करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसको वीटेक फार्मा कंपनी के एमडी जॉर्ज का मर्डर केस सौंप दिया जाता है, जिसकी बॉडी उसके ऑफिस के बाथरूम में पड़ी हुई मिली है। अब कोई बोल रहा है कि ये एक सिंपल सा एक्सीडेंट है, कोई बोल रहा है ये मर्डर है, तो आखिर असली कहानी है क्या? ये तो आपको इस पूरी मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी की लेंथ है 1 घंटा 56 मिनट के आसपास और यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब अगर इस मूवी का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो बस मैं यही कहूँगा कि यह एक बेहतरीन मूवी लगी मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों रंजीत सजीव इस मूवी को लीड कर रहे हैं और उनका काम नो डाउट काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिलेगा, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उनके एक्सप्रेशन हो या फिर डायलॉग डिलीवरी हो, सब में उनका काम काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और सपोर्टिंग कास्ट ने भी यहाँ पर काम काफी अच्छा किया है। बात करें पॉजिटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल जाएगी आपको, और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, जो आपका दिमाग घुमा कर रख देगी भाई साहब और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा जो इस मूवी का स्टोरी का प्रेजेंटेशन था ना, उसको देख कर भी आपका दिमाग घूम जाएगा। आप ये बोलोगे कि भाई वाह यार, जिसमें एक से एक तगड़े वाले ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों मूवी की सिनेमाटोग्राफी और इसका बीजीएम काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको। हालांकि शुरुआत में मूवी आपको थोड़ी बहुत स्लो लग सकती है और आप ये भी सोच सकते हो कि यार क्या छोटा मोटा एक्सीडेंट का केस है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्यों कर दी भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है ना, तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है क्या, इतनी प्लानिंग के साथ भी मर्डर किया जा सकता है क्या, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें उनका क्लाइमैक्स है ना, उसमें एक तगड़े वाला ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा और भाई इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बात करें नेगेटिव की, देखो दोस्तों इस मूवी में मुझे कोई ज़्यादा बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा है, छोटी मोटी बातें हैं लेकिन उनको इग्नोर किया जा सकता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि ऑल इन ऑल यह एक बेहतरीन बेहतरीन और बेहतरीन मूवी लगी मुझे। तो अगर आपको ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवी पसंद है तो आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो, आपको 100% मज़ा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। पेरेंटल गाइडलाइन की अगर बात करूं, मूवी फैमिली फ्रेंडली है, मूवी में कोई भी न्यूडिटी नहीं है, वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। दोस्तों मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे आराम से 4 out of 5 star। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू गोलाम मूवी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इसमें कोई पैसे थोड़े लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।